Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. मित्रों, जब हम ईश्वर को पूजते हैं तो हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ईश्वर हमारे असंभव से असंभव काम को भी पूरा करने में हमारी मदद करेंगे, और ऐसा ही विश्वास हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। चलिए मित्रों, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार दिव्य ऋषि श्री नारद मुनि जी ने सोचा कि वो पृथ्वीलोक का भ्रमण करेंगे और कुछ लोगों से मिलेंगे जो कि सतमार्ग पर चल रहे हैं। जब वो धरती पे पहुंचते हैं तो वे कई लोगों से मिलते हैं, और वापसी से पहले वो एक पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी तब अपने प्रभु विष्णु जी की पूजन कर रहा था। नारद मुनि आए, वो नारद मुनि जी को देखकर चौंक गया और बड़ा प्रसन्न हुआ। पुजारी ने बड़े ही खुशी से उनका आदर सत्कार किया, और जब नारद जी वहां से जाने लगे तो पुजारी ने कहा, मुनिवर, आप तो कहीं भी जा सकते हैं और आप मेरे प्रभु श्री नारायण जी से भी मिलते होंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, कृपया करके प्रभु तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। नारद जी ने कहा, बोलो, आपको क्या जानना है? पुजारी ने कहा, सालों से मैं अपने प्रभु श्री विष्णु जी की पूजा कर रहा हूँ, कृपया कर उनसे पूछिएगा कि वो मुझे अपने पास कब बुलाएंगे, मैं कब अपने प्रभु को पाने में सफल हो पाऊंगा। नारद जी ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, मैं जरूर ही ये बात पूछकर आपको बताऊंगा। इसके बाद नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया। अब नारद जी घूमते हुए एक मोची के पास गए। मोची चप्पल बनाने का सामान ला कर रखा ही था कि देव ऋषि नारद जी वहां पधारे। मोची अपनी क्षमता अनुसार नारद जी की सेवा किया, और अंत में जाते वक्त उसने भी नारद मुनि से पुजारी की तरह वही प्रश्न किया। बोला, आप कृपया करके विष्णु जी से ये पूछिए कि वो मुझ जैसे को अपने शरण में कब बुलाएंगे। नारद जी ने कहा, मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो इस प्रश्न का उत्तर श्री विष्णु जी से लेते आऊंगा। ये कहते ही नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें भी इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि दोनों में किसे पहले मुक्ति मिलेगा। वो सीधा बैकुंठ लोक गए। वहां विष्णु जी और माता लक्ष्मी अपने आसन पे विराजमान थे। नारद जी ने अपने पृथ्वी लोक के भ्रमण के बारे में बताया। फिर उन्होंने पुजारी और मोची के बारे में भी बताया, और पूछा कि प्रभु, इन दोनों को जिज्ञासा है कि उनको आपकी कृपा कब होगी, वो कब आपकी शरण में जा पाएंगे। विष्णु जी ने कहा, उस पुजारी को जाकर कह दो, उसके बाग में एक सबसे बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं पुजारी को उतने जन्म लेने होंगे, तब उसे मुक्ति मिलेगा। और उस मोची को कह दो कि ये उसका आखिरी जन्म है। नारद जी चौंक गए, बोले, महाराज, वो दिन भर आपकी पूजा कर रहा है, कभी उसने आपके उपासना में कोई कमी नहीं की, फिर क्यों आप उसे मुक्ति देने में इतने जन्म का विलंब करेंगे, और उस मोची को इतनी जल्दी मुक्ति क्यों दे रहे हैं? प्रभु बोले, इसका उत्तर वो दोनों आपको खुद ही दे देंगे। जब उनके पास जाओ और वो मेरे बारे में पूछे, उनको इतना ही कहना। विष्णु जी एक हाथी को सुई के छेद से घुसाने की कोशिश कर रहे थे। नारद जी के चेहरे पे हल्की सी हंसी आई। वो प्रभु की लीला समझ गए। उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा ली। वे वापस पृथ्वी लोक आए और पुजारी के पास गए। पुजारी देखते ही खुश हो गया। उत्साह से उसने नारद जी से पूछा, क्या आप बैकुंठ गए थे? मेरे प्रभु वहां क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा, जब मैं उनके पास गया तो वो एक हाथी को सुई की छेद से निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुजारी ने प्रभु का मजाक बनाते हुए कहा, क्या बेकार का काम कर रहे हैं प्रभु, क्या और कोई काम नहीं बचा है करने को? एक सुई की छेद से हाथी कैसे गुजर पाएगा? उसने फिर हंसते हुए कहा, वो सब छोड़िए, मैंने जो प्रश्न पूछा था क्या उसका उत्तर आपने पूछा? अपने प्रभु का उपहास सुनकर नारद जी को क्रोध आ गया, लेकिन वो प्रभु का संदेश पहुंचाने आए थे। उन्होंने कहा, इस विशाल वृक्ष में अभी जितने पत्ते हैं तुमको उतने जन्म लेने होंगे प्रभु को पाने में। ये कहते ही नारद जी वहां से चले गए। पुजारी बहुत दुखी हुआ। नारद जी अब मोची के पास गए। मोची भी नारद जी को देख के खुश हो गया। उसे लगा आज उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पर वो सबसे पहले नारद जी से पूछा कि जब आप वहां गए तो प्रभु क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा, प्रभु एक हाथी को सुई के छेद से निकालने के प्रयास कर रहे थे। मोची खुश हो गया, बोला, ऐसे काम को मेरे प्रभु के अलावा और कौन कर सकता है? ऐसी लीला तो मेरे प्रभु ही करते हैं। ये सुनते ही नारद जी का मन प्रसन्न हो गया, और उन्होंने कहा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये बोलते ही नारद जी मुस्काए, अपने प्रभु की लीला को समझ गए और जोर से बोले, नारायण नारायण, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में लिखकर बताएं। ऐसे और कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें।
वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन को जरूर दबाएं।